तोड़ूंगा एक एक करके। जंग छिड़ने वाली है। तो फाइनली दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लवेबल मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट फास्ट एक्स ने आज 12 दिन कंप्लीट करके 13वें दिन में एंट्री मान ली है। और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, ना कि सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर बल्कि इंडिया में भी। जी हाँ दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया यहाँ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी खदेड़ दिया है इस फिल्म में। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल से भरी फिल्म के डाई हार्ड फैन हैं तब, और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्शन ड्रामा फैमिली वैल्यू लेसन और कार की जबरदस्त हाईफाई तोड़ मरोड़ स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि चाहे 22 साल हो जाए या फिर 50 साल ही क्यों ना हो जाए, मेरी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है और अमेजिंग रहेगी हमेशा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद करा जा रहा है, जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है बिल्कुल पैसा वसूल करके निकल रहा है। हाँ यह है कि ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक की कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन ममोआ ने इस कमी को पूरी कर डाली है। और साथ ही आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सीधा कैप्टन मार्वल ब्री लार्सन भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों आंकड़ा रोज चढ़ता जा रहा है फिल्म का। जी हां दोस्तों, बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग है फिल्म की, तो यस धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले ही दिन इंडिया से भारी भरकम रकम खाते में रखकर जबरदस्त खाता खोला और लगभग 12.5 करोड़ का कलेक्शन अपने पहले दिन ही करा। इसी के साथ दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छी ग्रोथ करी और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग ट्रेंड पर अपने नाम दर्ज भी करा लिया। साथ ही चौथे दिन भी रिदम में कमाई करते हुए पहले 4 दिन में ही लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आंकड़ा खाते में रखा। इसी के साथ अपने पहले ही हफ्ते में 79.40 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी रिदम में करते हुए 8वें दिन 4.15 करोड़ रुपए, 9वें दिन 3.10 करोड़, 10वें दिन 5.45 करोड़, 11वें दिन 5.46 करोड़ और कल यानी 12वें दिन में 2.11 करोड़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए नजर आई। तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है और केरला स्टोरी जैसी फिल्म को पूरा टक्कर दे रही है। बात करें आज यानी डे 13 में कैसी ग्रोथ है फिल्म की, तो यस अपने 13वें दिन भी मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 2 करोड़ के आसपास कमाई अपने खाते में रख लेगी। और इसी के साथ शुरुआती 13 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 97.81 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी फिल्म। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है, आप लोग बताएंगे कि फास्ट एक्स इंडिया में 120 करोड़ का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी इस फिल्म को देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। दूसरा, जेसन ममोआ और विन डीजल की ये कंट्रोवर्सी कैसी लगी आप लोगों को। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।